उज्जैन बड़नगर से केसूर को जाने वाला मुख्य रोड बेहद खराब हो चुका है और इस रोड पर गड्ढे कीचड़ होने की वजह से आए दिन हादसे दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि यहां पर प्रतिदिन लोग कीचड़ में गिर रहे हैं अपने परिवार के साथ और आने जाने में घायल हो रहे हैं। साथ ही पूरा रोड खराब हो चुका है और इस रोड को नहीं सुधारा जा रहा है और ना ही इसका ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। कई बार लिखित में शिकायत की, अपनी समस्या से अवगत करवाया और मांग की इस रोड को सुधारा जाए, पर अभी तक ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या की ओर ध्यान दिया और यह खराब रोड सबके लिए परेशानी की वजह बना हुआ है। नगर से केसूर को जाने वाला करीब यह 18 से 20 किलोमीटर का प्रमुख रोड है, जो बड़नगर शहर से इंदौर को जाने के लिए, धार को जाने के लिए, पीतमपुर सहित अन्य शहरों को जाने के लिए सबसे प्रमुख रोड यह माना जाता है। अगर इस रोड की बात करें तो यह रोड पूरा खराब हो चुका है, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और इन गड्ढे और कीचड़ की वजह से शहरवासी परेशान हो रहे हैं। शहरवासी के साथ साथ जो आसपास के कई गाँव के ग्रामीण हैं, जो प्रतिदिन आना और जाना करते हैं, वो भी बेहद परेशान हो रहे हैं और कुल मिलाकर हादसे दुर्घटनाओं की सड़क बन रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ शहरवासी मौजूद हैं, किस प्रकार से वह परेशान हो रहे हैं, किस प्रकार से यह परेशानी का सब बना हुआ है। भैया बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, मेरी ये दुकान है यहाँ पे। वाकई में रोड आपने खुद ने ये देख के आए हैं आप, वाकई में इस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरी बरसात में ये स्थिति रही है, 10-10, 15-15 दिन ग्रामीण के लोग नगर में नहीं आ पाए और रोड इतना ज़्यादा खतरनाक है और गाड़ियों का खूब नुकसान हुआ। बीमार वगैरह कोई व्यक्ति था तो वो नहीं आ पाए, बाज़ार में किसी को कुछ खरीदी करनी थी, कुछ सामान जरूरत चीज़ें लेनी थी तो वो भी नहीं आ पाए। बहुत ज़्यादा हालत खराब है। तो देखा किस प्रकार से युवा व्यवसायी जो है आनंद जी अनावड़िया, उन्होंने बताया किस प्रकार से जो है यह रोड है बेहद खराब हो चुका है और जहाँ पर जो है आए दिन हादसे और दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग कुल मिला के इस रोड को बनाने की मांग कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।